दोस्तों स्वागत है आपका। COVID-19 की वजह से यहाँ पर ICC ने क्रिकेट रूल्स में जो है कुछ बड़े बड़े बदलाव जो है वो किए हैं, और यहाँ पर पांच बड़े नए बदलाव जो है वो हमें क्रिकेट रूल्स में नजर आने वाले हैं COVID-19 की वजह से। कौन से हैं दोस्तों ये चेंजेस, बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, कर रहे हैं क्रिकेट के रिज्यूम होने का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों COVID-19 की वजह से हमने पिछले कई समय से जो है कोई भी क्रिकेट का मैच जो है वो नहीं देखा है, लेकिन अच्छी खबरें लगातार आ रही है जहां पर जल्द जो है क्रिकेट हमें रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। कई सारे बोर्ड्स ने जो है अपने बायलैटरल सीरीज के अपने शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। वहीं यहां पर IPL 2020 और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट को लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट्स जो है लगातार आ रही है, यानी कि जल्द जो है क्रिकेट हमें दोबारा से रिज्यूम होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों COVID-19 की वजह से यहां पर ICC जो है वो यहां पर कुछ चेंजेस कर रही है रूल में, कुछ बड़े बड़े चेंजेस जो हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं। बात कर लेते हैं पांच चेंजेस कौन से यहां पर आईसीसी ने अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहला जो रूल चेंज है वो है दोस्तों सैलिवा के यूज का। इससे पहले हम देखते थे कि सैलिवा का यूज होता हुआ आता था, प्लेयर्स जो हैं अपने जीप का इस्तेमाल कर बॉल को जो है वो साइन करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो 5 रन पेनल्टी जो है वो भी लगने वाला है टीम को। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि स्वेट का इस्तेमाल कर जो है बॉल साइन की जा सकती है, यानी कि पसीने का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जहां पर रिपोर्ट्स जो आई है वो ये कि पसीने से जो COVID-19 फैलने के चांसेस हैं वो काफी रेयर होते हैं, इसीलिए इसको जो है अलाउ रखा गया है। लेकिन जो सैलिवा का यूज है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, और टीम्स को 5 रन की पेनल्टी भी जो है लगने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल है यहां पर रिप्लेसमेंट प्लेयर को लेकर। अगर दोस्तों चलते हुए मैच में किसी प्लेयर्स को जो है COVID-19 के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो टीम आराम से उसका रिप्लेसमेंट जो है वो बुला सकती है। हालांकि ये रूल अभी सिर्फ टेस्ट में लाया गया है, आने वाले समय में देखते हैं ODI और T20 में ये रूल आता है या फिर नहीं। यानी कि अगर कोई प्लेयर खेलते हुए मैच में उसको सिम्टम्स पाए जाते हैं COVID-19 के, तो वो यहां पर मैच से बाहर डायरेक्टली जो है होने वाला है, और उसका रिप्लेसमेंट टीम जो है वो ला सकती है। तो ये दूसरा रूल जो है वो अनाउंस किया यहां पर ICC ने। बात करें दोस्तों तीसरे रूल की, तो तीसरा रूल चेंज हुआ यहां पर अंपायर्स को लेकर। आपको बता दें पहले जो है न्यूट्रल अंपायर हमें देखने को मिलते थे, यानी दो कंट्री का मैच हो रहा है तो तीसरी कंट्री का कोई अंपायर हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब इस रूल को जो है वो कर दिया गया है चेंज, और यहां पर जो होम अंपायर है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जिस कंट्री में मैच होगा उसी कंट्री का अंपायर जो है हमें यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि COVID-19 की वजह से यहां पर जो ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन है वो काफी ज्यादा हैं। बात करें दोस्तों चौथे रूल की, तो चौथा रूल यहां पर चेंज हुआ है DRS को लेकर। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम देखते थे कि टेस्ट में एक टीम को एक इनिंग में 2 DRS मिलते थे, वहीं ODI और T20 में पर इनिंग 1 DRS जो है वो होता था, लेकिन यहां पर सभी इनिंग में एक एक DRS जो है वो बढ़ा दिया गया है, और ICC ने यहां पर ये बहुत ही बड़ा तोहफा जो है वो दिया है टीम को। यानी कि अब टेस्ट मैच की बात करें तो पर इनिंग 2 नहीं बल्कि 3 DRS जो है एक टीम यूज कर सकेगी, वहीं T20 और ODI में 1 नहीं बल्कि अब 2 DRS जो है एक टीम यहां पर यूज कर सकेगी। तो ये भी बहुत ही बड़ा चेंज यहां पर ICC ने जो है अनाउंस कर दिया है। वहीं बात करें दोस्तों पांचवें चेंज की, तो पांचवा चेंज है यहां पर टीम के रिवेन्यू से रिलेटेड, जहां पर ICC ने अलाउ कर दिया है कि टेस्ट मैच की जो जर्सी होती है वहां पर एक एडिशनल लोगो जो है टीम्स लगा सकेंगी, यानी कि चेस्ट पर एक एडिशनल लोगो जो है यहां पर टीम लगा सकेगी। हालांकि यहां पर साइज जो है यहां पर ICC ने बताई है जो कि है 32 स्क्वायर इंच, इससे बड़ा जो है लोगो नहीं होना चाहिए, लेकिन टीम्स को फायदा होगा, अब एडिशनल एक लोगो मिलेगा, यानी कि टीम को एक एडिशनल स्पॉन्सर भी जो है मिलने वाला है यहां पर टेस्ट मैच में भी, टेस्ट जर्सी में भी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो अनाउंस किया यहां पर ICC ने। तो दोस्तों ये है टोटल पांच चेंजेस जो कि रूल्स में अनाउंस किए हैं ICC ने। कुछ बड़े रूल चेंज किए हैं, कुछ रूल आए हैं, कुछ रूल मॉडिफाई हुए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।